नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा हायर एसी F6 एरर कोड के बारे में। जब भी एसी में कोई एरर कोड आता है तो काफ़ी परेशानी होती है कि इसे फाइंड आउट कैसे करें कि कौन सी पार्ट्स फॉल्ट होने के कारण एसी में एरर कोड आता है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ आप लोगों के सामने दिखाऊँगा कि F6 एरर कोड के आने का क्या रीज़न है और आप उसे कैसे सॉल्व कर पाओगे और उसका जो बेसिक जानकारी है वो कैसे वर्क करता है, ये भी आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में दिए गए घंटों को जरूर बजा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करो वो आपके पास पहुँच जाया करें। तो दोस्तों देखिए, जब एक एसी वर्क होता है, जब रन होता है, उसके अंदर जो फैन मोटर और जो उसके साथ ब्लेड लगा होता है, उसका काम होता है कि एसी के अंदर जो भी हीट हो उसे बाहर की तरफ कर देना, बाहर की तरफ निकलना। तो इसका होता है कि उसके पीछे एक एंटीसी सेंसर दिया जाता है जिसे कहता है आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, जिसे इस सेंसर की मदद से आपको या फिर एसी को वो पहचान सके उसके आसपास की एनवायरनमेंट कैसी है। जब भी एनवायरनमेंट काफ़ी गर्म या ठंड होगी तो उसे एंटीसी सेंसर फीडबैक के तौर पे पीसीबी को भेजता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो फ़ैन होता है, फैन मोटर के जो आसपास कितने भी चाहे टेम्परेचर हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, वो सेंसर को काम होता है सेंस करना। जब भी एसी में ज़्यादा टेम्परेचर होती है तो उस एसी को जो सेंसर होता है, सेंसर पीसीबी को फीडबैक देता है ताकि जो फैन मोटर है, फैन मोटर स्पीड को बढ़ा सके। ये जो फैन मोटर होती है दोस्तों, वो टू स्पीड में चलती है, एक होता है लो स्पीड, एक होता है हाई स्पीड। तो दोस्तों, ऐसे जब शुरुआती तौर पे स्टार्ट होता है, रनिंग होता है, उस पर गैस की प्रेशर कम होती है, हीटिंग कम होता है, तो कुछ समय के लिए वो लो स्पीड पे फैन चलता है। तो ये जो लो स्पीड का चलने का कारण है, वो इसे सेंस करता है आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर सेंस करके पीसीबी को फीडबैक देता है और पीसीबी डायरेक्टली फैन को कमांड देता है कि आपको स्लो चलना है या फिर हाई स्पीड में चलना है। तो इसे काम करता है सेंसर। तो दोस्तों, इसका मेन काम होता है सेंस करना। आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब है आउटडोर के आसपास जो कंडेंसर है, कंडेंसर का हीटिंग की मौजूदगी को पहचानना, उस पर कितनी गर्मी पैदा हुआ है या फिर कितना कम है, इसे सेंस करना। तो दोस्तों, किसी भी कारण ये जो सेंसर होता है, सेंसर अगर ख़राब हो गया तो ये जो आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है, इसके कारण से आपको F6 एरर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, अगर आपको सेंसर चेक करना नहीं आता, आप इसी के सेंसर कैसे चेक करते हैं, तो मेरे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो है, चाहे आप उसे देख के इसका जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, और एक बात है, ये जो सेंसर सेंस करता है, सेंस करने का समय इसका आसपास के जो मौजूदा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को काफ़ी हद तक वो सेंस करके पीसीबी को फीडबैक देने के बाद ही जो फैन है, फैन को वर्क करने के लिए कमांड भेजता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। तो अगर किसी भी कारण आपका इसमें सब कुछ ठीक है, फैन ठीक है, स्पीड ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको F6 एरर देखने को मिल रहा है, तो आपकी जो एसी आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है वो ख़राब है। ख़राब होने के कारण आपके एसी में एरर कोड देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए आपके सोशल साइट में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें।